हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज मैं एक बीएल ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर चलिए ड्रामा को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बॉयज को नहाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा मेन लीड सू लियान आकर सन सन चिल्लाने लगता है। वहाँ के लड़के आकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए और क्यों सन सन चिल्ला रहे हो, कौन है तुम्हारा बेटा। एक्चुअली उसे उसका असली नाम नहीं पता था, उसके आईडी में सन लिखा हुआ था इसलिए उसे सन सन बुला रहा था। उसके पापा ने उसके लिए मिल्क टी भिजवाया था। तभी एक लड़के को उसके पापा का वॉइस मैसेज मिलता है कि मैंने तुम्हारे लिए मिल्क टी भिजवाया है, और वो उसके पास आता है और ये है हमारा सेकेंड मेन लीड साउ लियान। वो पूरा गुस्से से उसके हाथों से पार्सल ले लेता है और यहाँ से दफा हो जाने के लिए कहता है। सबके सामने ऐसे बेटा बेटा चिल्लाओगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा ही ना। अगले सीन में साउ यू के पापा उससे मिलते हैं और उसका परफेक्ट शॉट देखकर उसे अपना बेटा बना लेते हैं, पर वो उन्हें डैड बुलाने से मना कर देता है। तो वो उसे पैसे ऑफर करते हैं, पैसे के बदले उन्हें डैड बुलाने के लिए राजी हो जाता है। वो उससे एक डील करते हैं, तुम कुछ दिनों तक मेरे बेटे बनकर मेरे घर में रहो और मेरे बेटे को प्रोविजनल टीम में हिस्सा लेने के लिए मनाओ। इसके लिए मैं तुम्हें जितना पैसे बोलोगे उतना पैसा देने के लिए राजी हूँ। तो वो भी इसके लिए मान जाता है। फिर उसे अपने बेटे से मिलाने के लिए शूटिंग एकेडमी ले जाते हैं। उनका बेटा भी एक बेस्ट शूटर है और टीम का कैप्टन भी है। साउ यू उसको देखकर सीधा एक पंच मार देता है उसे बेटा बुलाने के लिए। इसके लिए उसके पापा उसे डांटते हैं, वो तुम्हारा भाई है, मैंने उसे अपना बेटा बनाया है, उसे तुमने क्यों मारा। वो कहता है आपने उसे अडॉप्ट नहीं किया है। वो कहते हैं तुम अपना एटीट्यूड ठीक करो और ट्रबल क्रिएट मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर ले जाकर दोनों की सुलह करवाते हैं, पर वो ठहरा एंग्री बॉय इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला। उन दोनों में टसन अभी भी जारी था। उसके पापा उसे पैसे का इशारा करते हैं तो वो शांत हो जाता है। फिर वो उसे घर छोड़ देते हैं। उनका घर बहुत ही प्यारा था और साउ यू के ट्रॉफी से भरा हुआ था, पर वो उसे छूने भी नहीं देता, उससे कोई बात भी नहीं करता और रूडली अपने रूम चला जाता है। उसका रूम पूरा नीट एंड क्लीन था और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी, पर साउ लियान का रूम पूरा मैसी हुआ था और वो राउंड म्यूजिक बजाकर डांस कर रहा था, जिससे साउ यू परेशान हो जाता है और आकर म्यूजिक बंद कर देता है। इसको लेकर दोनों में बहस हो जाती है। साउ लियान उससे एक बेट लगाता है, मैंने देखा है कि तुम अच्छा शूट करते हो तो क्यों ना हम दोनों कम्पीट करके देखें कि कौन फास्टेस्ट शूट करता है, और उसे अपने शूटिंग गेम वाले शॉप पर लेके आता है। पहले साउ लियान शूट करता है, उसके फास्ट और परफेक्ट शूट को देखकर वो पूरा शॉक्ड था। साउ लियान कहता है क्या तुम डर गए। शूटिंग का आवाज सुनकर वहाँ के लोग उन्हें पकड़ने आते हैं तो वो लोग उनसे छुप कर भाग जाते हैं। साउ यू उससे पूछता है कि क्या तुमने इसकी प्रैक्टिस की है। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की, मैं तो यहाँ का मार्केट मैन हूँ। ये सुनकर वो सीधे अपने पापा के पास जाकर पूछता है कि उसने प्रैक्टिस कहाँ से की है। वो कहते हैं कि तुमने देखा ना वो कितना अच्छा शूट करता है, तुम्हें भी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। प्रोविजनल टीम कॉम्पिटिशन नजदीक आ रहा है, पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे डाउन मत कर देना। ये सुनकर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और अपने पुराने कंपटीशन को याद करता है जिसमें उसका निशाना चूक गया था। अगली सुबह साउ यू खाना बना रहा था तो साउ लियान उसे जबरदस्ती अपरन पहनाने लगता है। वो मना करता है पर वो फिर भी नहीं सुनता। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। वो बताते हैं कि आज से तुम भी एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करोगे और साउ यू तुम इसकी हेल्प करना। ये सुनकर वो गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। साउ लियान पूछता है अंकल मैं प्रैक्टिस में क्यों जाऊँ। वो कहते हैं सारा दिन घर में बैठकर क्या करोगे, उसके साथ जाकर थोड़ा फन ही कर लेना। वो कहता है क्या इसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो उसे घूरने लगते हैं। अगले दिन कोच उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके आने से एक लड़के को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, वो उसे घूर घूर कर देखने लगता है। आगे कोच आकर बताती हैं कि मंडे को टूर्नामेंट होने वाला है, इस बार प्रोविजनल कोच इसे देखने वाले हैं, इसलिए ये टूर्नामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। इसके लिए 6 लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है,
साव यू और बाकी चार लड़के और साव लियान। ये देखकर दूसरा लड़का कहता है, आपने उसे क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं, वो तो बस अभी अभी यहाँ आया है। वो कहती है, तुम एक पुराने टीम मेंबर हो, इस बार न्यू मेंबर को चांस मिलना चाहिए ना। अब चलो जाओ और अच्छे से टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करो। उसके सिलेक्ट हो जाने से वो दूसरा लड़का बहुत गुस्से में था। इससे दोनों में बहस होने लगती है। इसको लेकर दोनों बेट लगाते हैं कि आखिरकार कौन बेस्ट शूटर है। बुली बॉय अच्छा शूट करता है, पर साव लियान का दो बार अंडर फायर होता है तो उसे सब चिढ़ाने लगते हैं। पर तीसरी बार अपने गेम के प्रैक्टिस को याद करके अच्छे से फोकस करके शूट करता है, जो एकदम सेंटर में जाकर लगता है। बाकी सबको लगता है कि ये तो इसका अच्छा लक था, इसलिए लग गया। अपने ऐसे परफॉर्मेंस को देखकर वो बहुत सैड था। तो उसका भाई कहता है, तुम इसके लिए इतना टेंशन मत लो, ऐसा सोचो कि ये तुम्हारे प्ले वाले गन से अलग गन था। मुझे पता है कि तुम्हारा लेवल ये नहीं है, टूर्नामेंट के लिए मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा खुश होता है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उसे गन के बारे में बताता है, पोजीशन, टारगेट और डिस्टेंस के बारे में भी बताता है और इस गेम के रूल्स के बारे में भी समझाता है। फिर उसे अच्छे से टारगेट प्रैक्टिस करवाता है। आगे वो बुली बॉय साव लियान को फिर से बुली करने लगता है, उसे अपने गन से प्रैक्टिस भी करने नहीं देता। ये सब देखकर उसके भाई को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर पर साव यू उसका इंतजार कर रहा था, वो उसके लिए गिफ्ट लाया था। साव लियान कहता है, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या, जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। वो कहता है, तुम अपसेट मत होना, स्पोर्ट्स स्कूल में ऐसा होता है, पुराने लड़के नए लड़के को ऐसे थोड़ा बुली करते हैं। अब रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। उसे अपने लिए ऐसे फिक्र करता देखकर वो स्माइल करता है। अगले दिन सब टूर्नामेंट के लिए निकल रहे थे। वो बुली वो इस बार भी उसे परेशान करने लगता है, उसे बस में चढ़ने ही नहीं देता, पर कैप्टन को आता देखकर साइड हो जाता है। बस में साव लियान उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है और फिर जबरदस्ती उसका ईयरफोन लेकर लगा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर सर रखकर आराम से सो जाते हैं। बस से उतरकर कोच सबसे कहती है कि तैयार हो जाओ फाइव स्टार होटल में रहने के लिए। फाइव स्टार होटल सुनकर सब खुश हो जाते हैं। साव लियान कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा रिच हो, यहाँ तक कि फाइव स्टार होटल में स्टे करते हो। पर होटल को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये सिर्फ नाम का फाइव स्टार होटल था। आगे दूसरे स्कूल के लड़के साव यू के बारे में बातें कर रहे थे, इस बार वो किस मुंह से टूर्नामेंट में भाग लिया है। पिछली बार तो उसने किसी और के टारगेट पर ही शूट कर दिया था, पता नहीं इस बार कहाँ शूट करेगा। अपने भाई के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनकर साव लियान से रहा नहीं जाता और वो पहुंच जाता है उनसे लड़ने के लिए। और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।